हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल फाइल में पासवर्ड लगाना सिखाऊंगा तीन तरह से। पहला कि किसी को वो फाइल ओपन करने के लिए ही पासवर्ड एंटर करना पड़े। दूसरा अगर उसको कुछ एडिट करना है उसके लिए पासवर्ड एंटर करना पड़े। और तीसरा कि सारी फाइल लॉक रहे लेकिन कुछ एक हिस्सा, मान लीजिए ये तीन सेल है कि आप चाहें कि बस वो इन तीन सेल्स में ही कुछ लिख सके बाकी सब लॉक रहे, तो वो भी आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला तरीका है पासवर्ड टू ओपन, यानी कि उसके पास अगर फाइल हो भी जाए तो भी उसको खोल ना पाए। ठीक है, तो वो कैसे होता है, उसके लिए हम जाते हैं फाइल के ऑप्शन में और यहां पे ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पे क्लिक करते हैं और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर देते हैं। और यहां पे आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए, मैं पासवर्ड दे रहा हूं 123, पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है याददाश्त के लिए। ओके कर दीजिए, एक बार और पूछेगा 123, मैंने टाइप करा पासवर्ड, ओके हो गया है। और अब ये देखिए यहां पे ये येलो हो गया है, यानी कि ये फाइल अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है, इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड लगेगा। ठीक है, मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये देखिए इस फाइल पे हमने पासवर्ड लगा दिया है, इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, मैं इस फाइल को आपके लिए सामने कर रहा हूं बंद और मैं जा रहा हूं वहां पर जहां पे फाइल स्टोर्ड है मेरे सिस्टम में और मैं इस फाइल को अब ओपन करूंगा आपके लिए। ये रही ये फाइल, अभी देखिए पासवर्ड टू एक्सेल, इसका पासवर्ड मेरे को देना पड़ रहा है 123, अभी ये फाइल ओपन हो रही है। देखा, अब पासवर्ड टू एडिट, मान लीजिए कि भाई आपने किसी को बोलना है कि पासवर्ड जो ऐसा दें कि वो फाइल एडिट कर पाए, मतलब ओपन हो जाए अंदर दिख जाए लेकिन कुछ चेंज ना कर पाए, चाहेंगे ना ऐसा, तो उसके लिए आप जाएंगे रिव्यू टैब पर और करेंगे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक और यहां पे ये पासवर्ड मांगेगा। इसके लिए भी अलग पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, सो मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूं, इसका भी दे रहा हूं, मैं 123 सेम दे रहा हूं, कुछ और चेंज नहीं करना है। ओके कर देना है, वापस से 123 कर देना है, ओके कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ था प्रोटेक्ट शीट, अब आ गया अनप्रोटेक्ट शीट, यानी कि अब ये शीट प्रोटेक्टेड है, कोई कुछ एडिट नहीं कर सकता। टाइप कर रहा हूं ये मेरे को कुछ भी, अब मैं अगर शीट अनप्रोटेक्ट करूंगा, वापस पासवर्ड डाल रहा हूं 123, अब देखिए अब ये मेरे को यहाँ पे टाइप करने देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं पासवर्ड इज 123, इज 123, इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं हम यहां से। ऑलराइट, तो ये हमने दो तरह के पासवर्ड सीख लिए, ओपन करने के लिए और एडिट करने के लिए। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो तीन सेल हैं इनको मैं कलर कर देता हूं, केवल यही सेल कोई एडिट कर पाए और बाकी कोई भी सेल वो एडिट ना कर पाए, करेक्ट है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। हम वापस चलते हैं हमारे व्यू टैब, रिव्यू टैब में, यहाँ पे शीट हमारी प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, नहीं प्रोटेक्टेड नहीं है तो इसको अभी नॉन प्रोटेक्टेड स्टेट में रखिए तभी हम इसमें ये कर पाएंगे। ये तीन सेल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं होम पर और यहाँ पे ये फॉन्ट वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे मैं छोटे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूं, प्रोटेक्शन में जा रहा हूं और ये लॉक्ड को मैं हटा रहा हूं यहां से। यही प्रोसेस है, देखिए होम में जाए, उन तीन सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जो तीन सेल्स थे, उसके बाद मैं होम पे गया, ये फॉन्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, यहाँ पे प्रोटेक्शन में गया, यहाँ पे लॉक्ड ये ऐसा चेक था, इसको अनचेक कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं रिव्यू पे जा रहा हूं, मेरी शीट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं 123, अभी शीट मेरी प्रोटेक्ट हो गई है। देखिए मैं यहां पे कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूं, मैं यहां पे कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूं, देखो इसने मुझे अलाउ कर दिया। ये थी ट्रिक, तो इससे अभी केवल यही हिस्सा एडिटिंग के लिए ओपन है, बाकी कहीं पे एडिटिंग कुछ नहीं करता। तो ऐसे हम लोग ये पासवर्ड लगाते हैं एक्सेल में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, अगर आया है इसने जरा सी भी आपकी मदद करी तो लाइक पे अभी क्लिक कीजिए और कमेंट में गुड जॉब, थैंक यू कुछ तो लिखिए, कुछ क्वेश्चन हो तो लिखिए, पसंद नहीं आया तो भी लिखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आए आपको मालूम पड़ता रहे और मैं भी नंबर्स को देख के मोटिवेट होता रहूं। सो अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड,
mylisten.org पे जाके फाइल को डाउनलोड करना ना भूले, डाउनलोड सेक्शन में फाइल फ्री अवेलेबल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये और इसके जैसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है मेरे वेबसाइट myelesson.org पे। यहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग फाइल्स भी हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही इस वीडियो के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।